नमस्कार किसान साथियों, मैं धनेश और स्वागत करता हूं आपका कृषक इंडिया कृषक भारत में। साथियों, आज हम बात करेंगे रानीखेत बीमारी के बारे में। किसान साथियों, बहुत सारे जो किसान साथी है वो लोग इस तरह की वीडियो को नहीं देखते जिसमें आपको कुछ जानकारी या कुछ बीमारी के बारे में बताया जाए, और इस तरह की वीडियो को देखते हैं जिसमें आपको कहा जाता है कि 500 मुर्गी पालिए और इतना पैसा कमाइए, या 1000 मुर्गी डालिए माला माल हो जाइए। इस तरह की वीडियो को देखना ज़्यादा पसंद करते हैं, जबकि वो एक तरह से सपना होता है। आपको अगर वो सपना पूरा करना है तो बीमारियों के बारे में जानकारी होना ज़रूरी है, तभी वो आपका सपना जो है पूरा हो पाएगा। तो चलिए हम आज बात करते हैं रानीखेत बीमारी के बारे में। तो दोस्तों, जो रानीखेत बीमारी है वो हमारे भारत के उत्तराखंड के रानीखेत शहर में सबसे पहले पाई गई थी, इसलिए इसका नाम रानीखेत रखा गया है। और यह विषाणुजन्य बहुत ही संक्रामक रोग है, जो कि मुर्गी, टर्की, कोयल, तीतर, कबूतर, गिनी पॉल में होता है। लेकिन प्रमुख रूप से यह जो है मुर्गियों को ज़्यादा इफेक्ट करता है, और इस बीमारी से 80 से 100% तक की मृत्यु दर होती है। यह बीमारी जो है हमारे इंडिया में लगभग सभी राज्यों में पाया जाता है, और यह बीमारी आरएनए वायरस से होती है, जिसका नाम ईएन पैरा मिक्सो वायरस टाइप 1 होता है। अगर यह वायरस हमारे फार्म पे आ गया तो 2 से 25 दिन तक रह सकता है। इसके लिए हम अपने मुर्गियों को वैक्सीनेशन दे सकते हैं, जिससे कि ये बीमारी हमारे फार्म पे ना आए, और F1 लसोटा R2B स्ट्रेन का हम वैक्सीन लगवा सकते हैं। दोस्तों, इसके लक्षण के बारे में हम बात करें तो भूख न लगना और मुर्गियों को नींद लगना, सांस लेने में कठिनाई, और सबसे प्रमुख इसमें जो है हरी दस्त, खांसी, छींक, और गर्दन का लुढ़क जाना, और जो बर्ड है वो सिर को ऊपर करके घूमती है, मुंह खोलकर सांस लेती है, और इसमें जो है पक्षघात यानी कि जो है लकवा से इसकी मृत्यु हो जाती है। दोस्तों, इसके लिए एक दिन के चिक्स को आंख और नाक में एंटीवैक्सीन जो डालकर उपचार करना चाहिए, और लगभग 2 महीने बाद चूजों को फिर से टीका लगाना चाहिए, और साल में कम से कम एक बार वयस्क पक्षी को टीकाकरण करना चाहिए, और संक्रमित पक्षी को तुरंत जो है अपने जो मुर्गी हैं उनसे अलग करना चाहिए, और अगर मुर्गी की मृत्यु हो जाती है तो उसको जो है दफना देना चाहिए, न कि इधर उधर फेंक देना चाहिए। तो हमारे फार्म में यह बीमारी अगर आ गया तो सबसे पहले हम अपने बर्ड को जो है टेट्रासाइक्लिन हाइड्रोक्लोराइड जो पाउडर होता है वो बहुत ही अच्छा उसका रिजल्ट होता है, आप उसको ज़रूर रखें अगर पोल्ट्री फार्मर हैं तो उसको पर 100 बर्ड 3 ग्राम आपको देना है पानी में मिला करके। और ये जो दवाई है वो अगर पहला और दूसरा स्टेज में है आपकी मुर्गी तभी काम करेगा, नहीं तो फिर अगर थर्ड स्टेज हो गया यानी कि वो मरने के कगार पे ही है तो फिर बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए जितना जल्दी हो सके आप लक्षणों के आधार पर उसको देखिए और तुरंत से उसका इलाज कीजिए, और सबसे मेन मुख्य बात जो है आप डॉक्टर की सलाह ज़रूर लीजिए इन दवाइयों को उपयोग करते समय, तभी ठीक रहेगा, वो लोग आपको और अच्छी जानकारी दे पाएंगे। दोस्तों, इसके अलावा एक और दवाई आपको बता देता हूँ जो फर्स्ट स्टेज में ही ज़्यादा काम करता है, एम्पिसिलिन होता है। इसको 250 ml को 250 ml पानी में, गर्म पानी में आपको 10 बूंद मिलाकर अच्छा से हिला के जो है अपने मुर्गियों को पीने के लिए देना है। तो आप दोनों में से कोई सा भी मेडिसिन यूज कर सकते हैं। दोस्तों, ये तो हो गया उसके जो मेडिसिन है उसके बारे में, लेकिन आप अपने फार्म पे जो है बीमारी को आने न दीजिए, अपने फार्म को साफ सुथरा रखिए, नमी ना हो पाए इस तरह से व्यवस्था कीजिए, और वैक्सीनेशन टाइम पे करते रहिए, निश्चित रूप से आपके फार्म पे जो है ये बीमारी नहीं आएगी। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो
तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।